अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं अली व्लॉग्स एडवेंचर्स। कैसे हैं आप साहब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। इट्स बिन 6 days ऑलमोस्ट कि मैंने राइड किया था और आप लोगों के साथ ही राइड किया था मैंने। टुडे आई एम हेयर अगेन इन एन अर्ली मॉर्निंग राइड। और आपको पता है कि जब प्री मानसून सीजन होता है उसमें अर्ली मॉर्निंग राइड का बहुत मज़ा आता है क्योंकि ये ग्रीनरी ग्रीनरी होती है। खैर, आज का टॉपिक जो है वो है मेरे बाइक के मुतल्लिक, बट ऑल्सो टू वेरी मच ऑफ माई सब्सक्राइबर्स, टू द पर्सन हु आर थिंकिंग अबाउट गेटिंग अ सर्टन थिंग। आप लोगों ने जैसा कि देख लिया होगा कि लास्ट टाइम मेरे व्लॉग में आई इंस्टॉल्ड बैराकूडा ग्रिप्स और अब मेरे पास नॉर्मल ग्रिप्स लगी हुई है और ये वही ग्रिप्स हैं जो मेरे पास IVR में मेरी जेन्युइन लगी आई थी। सो दिस आर मतलब कि दीज आर द जेन्युइन ग्रिप्स। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई डिड आई री इंस्टॉल माई ओरिजिनल YVR ग्रिप। तो ये सवाल सिर्फ इस तरह आसानी से आंसर नहीं हो सकता कि यार क्यों मैंने बस लगा दी। इट वॉज नॉट लाइक कि दिल कर रहा था, इट वॉज नॉट लाइक कि हाँ जी कोई मतलब कि मुझे था कि यार नहीं YVR की नॉर्मल ग्रिप बेटर है इस तरह करके न। सबसे पहले रिकॉल करते हैं जब मैंने ये ग्रिप्स लेने का सोचा। आपको पता है मेरा वो ब्लॉग बहुत हिट गया, ऑलमोस्ट 14K पे है वो और उस पर मैंने YVR को रेस किया है जो कि एक कस्टमाइज्ड YVR था जिसके जो लोअर्ड हुआ था, एग्जॉस लगा हुआ था और उसके बाद मतलब कि इट वॉज अ हेल ऑफ अ लॉट फास्टर देन माई बाइक और वो इवन CG125 को बीट किया उसने। तो जब उसका बाइक मैंने चलाया अपने सब्सक्राइबर का, तो उस टाइम आई थॉट के यार ये ग्रिप्स तो बड़े मज़े की हैं बिकॉज ही इंस्टॉल्ड देम और काफ़ी मज़े का गियर रिस्पॉन्स था, रेस की रिस्पॉन्स बहुत फिट था। सो आई थॉट व्हाई नॉट कि मैं इनको इंस्टॉल करूँ। सो आई बिगेन डिगिंग ऑन, मैंने ऑनलाइन मंगवाई, एक हफ्ते के अंदर वो डिलीवर हुई। आई वॉज सो एक्साइटेड। खैर आपको वो प्रोसीजर पता ही है, जिन्होंने मेरे पिछले व्लॉग्स नहीं देखे, दो व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट व्लॉग्स हैं, आप जाएं और देखें हाउ आई इंस्टॉल्ड देम इक्राटो की पैथेटिक सर्विस के बाद फिर भी वो इंस्टॉल हो गई और मैं उनको घर ले आया। खैर मैंने इंस्टॉल की और मैंने उनको देखा, मैंने कहा यार चल इंस्टॉल हो गई हैं, दिस इज़ गुड एंड नाउ मतलब कि थोड़ा बहुत बेहतर हो जाएगा सीन, थोड़ा सा मतलब यू नो बेहतर हो जाएगा। सो आई वॉज इन द मिडल ऑफ मेकिंग मॉडिफिकेशन सीरीज फॉर माई बाइक। मैं सोच रहा था कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मॉडिफाई करते हैं अपने बाइक को, ट्यून करते हैं, उसके बाद स्टॉक नहीं मतलब क्लच लीवर्स हो गए, रेस ग्रिप्स हो गई, ये ग्रिप्स हो गई एंड सम थिंग्स लाइक दीज, और इस तरह करके ना बड़ा मज़े का बाइक बनाते हैं। बट समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि आपका एक्सपीरियंस पहला वाला ही जो होता है वो इतना बुरा होता है कि बंदा कहता है यार ये तो बैड चीज़ है। सो मैंने वो इंस्टॉल की ग्रिप्स और आई रोड देम फॉर 2 days। पहला दिन वो जो मैंने आपको दिखाया कि भाई मैंने इंस्टॉल की हैं, वो भी ब्लॉग है YouTube पे, गो वॉच इट नाउ। और उसके अलावा फिर आई इन्जॉयड देम मतलब कि मज़ा आया उन ग्रिप्स को ना इस्तेमाल करके। फिर उसके बाद ये कुछ हुआ कि मैं जैसे ही घर आया, आई स्टार्टेड बल्कि व्लॉग के दौरान ही आई स्टार्टेड नोटिसिंग के मेरी ग्रिप ना ऐसे घूम रही है। बेसिकली एक होती है मतलब मैं रेस दूंगा तो बाइक भागेगा, एक एक्सेलरेशन होती है बेसिकली, लेकिन वो एक्सेलरेट करने के लिए नहीं हो रही थी, वो बेसिकली एक्सीलेटर के ऊपर जो थी वो घूम रही थी ग्रिप,
द ग्रिप वॉज नॉट फुली मतलब कि जॉइंट टू द लोअर पार्ट ऑफ द रेस, जहाँ पे ये नीचे आपको नजर आ रहा होगा वाइट सी एक होती है जो कि ग्रिप को कंट्रोल करती है। तो सबसे पहला पार्ट तो ये, उसके बाद दूसरा पार्ट आ जाता है कि जो लेफ्ट वाली साइड की ग्रिप थी, इट वॉज ऑलवेज स्पिनिंग स्पिनिंग स्पिनिंग, मतलब कि वो ग्लू से भी, या फिर देखिए जेन्युइन मैंने विदाउट एनी ग्लू लगाई है एंड इट इज़ नॉट मूविंग व्हेन आई पुट फुल फोर्स ऑन इट, बट वो ग्रिप आई डोंट नो व्हाई इतनी ज़्यादा मूव कर रही थी कि मतलब मुझे अनकंफर्टेबल हो रहा था मैं कि हल्का सा आप अगर कोई फॉर एग्जांपल सडन ब्रेक लगानी पड़ जाए, सडन क्लच पकड़ना पड़ जाए तो वो फिर जाती थी। सो मुझे तो यूँ भी थॉट आया कि इसको एलपी लगा के पक्का लगा देता हूँ, बट आई एम ग्लैड कि मैंने वो काम नहीं किया। खैर उसके बाद आई गॉट द ग्रिप्स, मतलब मैं देख रहा हूँ, अब मैं ब्लॉग करके घर आया और आई पोस्टेड द ब्लॉग, बट ऑन द वेरी नेक्स्ट डे मैंने बाइक निकाला एंड आई वॉज अबाउट टू गो टू अ रिलेटिव्स हाउस। मैंने बाइक जैसे ही स्टार्ट की है मैंने रेस दी एंड दिस साउंड केम, टक की आवाज़ आई और बस मेरी ग्रिप फुल रोल होना शुरू हुई। अब मुझे दो थॉट्स माइंड में, या तो मेरी ग्रिप टूट गई है ठीक है, या फिर ये सही तरह इंस्टॉल नहीं हुई, एंड आई वॉज होपिंग कि वो कहें कि यार ये सही तरह इंस्टॉल नहीं है, लेकिन बात वही है कि सम टाइम लाइफ गिव्स यू लेमन। सो मैंने जब वो खोली तो आप काफ़ी जैसा कि ये वीडियो में देख सकते हैं, मैंने खोली ग्रिप्स और दिस वॉज इट। अभी आपने वीडियो में देख लिया होगा कि क्या हुआ ग्रिप्स के साथ, अंदर से इसकी वायर का, जहाँ पे वायर होती है रेस वायर जहाँ पे फिट होती है वो क्लिप ही टूट गया। सो फिर मैंने आपको ये दिखाना था, आप जैसा कि वीडियो में साथ साथ देख रहे होंगे या आपने देख लिया होगा, क्योंकि मैं वो वीडियो साथ अटैच कर दूंगा विद इन मतलब ब्लॉग के अंदर ही मैं उसको वो कर दूंगा, तो आपने देख लिया होगा कि यार व्हाट हैपेंड विद मी। अब ये ग्रिप तो छोड़ो ना, ये ग्रिप स्पिनिंग, आई वांट टू स्टार्ट माय बाइक, आई वांट टू गो समवेयर, बट डाउन। तो मैंने ये डिसाइड किया कि इन ग्रिप को उतार देते हैं, और जब मैंने ग्रिप्स उतारी तो उसका जो छोटा सा वो नक्का था वो मेरी इस जगह सेल्फ स्टार्ट वाली जगह पे फंस गया। एक और प्रॉब्लम, उसको फिर मैं जोड़ने में लग गया, मतलब वो जुड़े ना, फिर मेरे अपना फादर ने क्या किया, मेरे अबू हैं उन्होंने कहा कि देयर समथिंग इनसाइड योर ग्रिप, उन्होंने रिमूव की वो चीज़ और इट वॉज अ क्लियर पीस ऑफ द क्लिप। तो फिर हम लोगों ने जी जेन्युइन ग्रिप्स खुद लगाई, खुद इंस्टॉल की, एंड आई वॉज सो 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 फ्यूरियस विद द इक्रोटोस पर्सन कि उन लोगों ने वो ग्रिप बेसिकली बिठाई ही नहीं सही तरीके से, वो तार बेसिकली बैठी ही नहीं अपनी जगह पे और इन्होंने लगा दी। तो जो होना था वो हो गया, टूट गई ग्रिप और मैंने वो ग्रिप फिर जेन्युइन ग्रिप लगा दी वापस, एंड देन आई रियलाइज कि यार जेन्युइन ग्रिप बहुत मज़े की है। अगर आपने कोई यहाँ पे लीवर प्रोटेक्टर नहीं लगाना तो यार आई विल नेवर सजेस्ट यू, नेवर 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 एवर सजेस्ट यू कि आप लोग ग्रिप चेंज करें, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है यकीन जाने, मैं ये नहीं चाहता कि अब आप ये इमेजिन करें फॉर द टाइम बीइंग मैं आपके साथ ब्लॉक करके जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे बैराकूडा की ग्रिप्स आपको दिखा रहा हूँ ऐसे की टक हो गई टूट गई, नाउ व्हाट, मैं खड़ा हूँ रोड पे मिडल ऑफ नोवे स्ट्रैंडेड ठीक है, मेरे घर से यहाँ से 25-30 मिनट लगते हैं जाते हुए, सो मतलब मुझे वेट करना पड़ता, ख्वारी होती, सुबह के टाइम अभी आया हूँ चलो वेदर प्रेजेंट है आई डोंट फील एनी गर्मी कुछ भी नहीं, लेकिन दिन के टाइम तो आजकल इतनी हीट वेव है कोई बंदा बाहर ही नहीं निकलता।
सो दिस हैपन टू मी एंड आई थॉट आई वुड शेयर इट विद यू. तो आई वुड नेवर सजेस्ट यू टू चेंज द ग्रिप्स ऑफ वाई बी आर इन केस अगर वो अच्छी ग्रिप्स नहीं है तो. अब बहुत सी अच्छी ग्रिप्स आती है, रजोमा की अच्छी की ग्रिप्स हैं, उसके बाद एक दो और ब्रांड है जिनकी बहुत प्यारी ग्रिप्स हैं विद साइड मतलब जो कैप सी होती है, कैप उतर जाती है, बैलेंसर लगाएं और साथ क्रैश गार्ड लगाएं, क्रैश प्रोटेक्टर. बट मैं ये सोचा, मैं तो अपनी मतलब मैंने ये सोचा कि यार बाकी मॉडिफिकेशन हम कर लेंगे लेकिन दिस विल नेवर हैपन. सो आई थॉट यू गाइस शुड नो कि व्हाट हैपेंड टू मी. और बस दिस वाज इट एंड दैट्स व्हाई आई चेंज दिस ग्रिप्स. तो अब ये है कि लेट्स टेस्ट आउट दिस ग्रिप्स. गाइज आई होप यू इन्जॉयड इट. आई होप आप लोगों को इस चीज़ से थोड़ा सा बेनिफिट हुआ होगा, आपने कुछ लर्न किया होगा. और प्लीज़ मेक श्योर कि आप वीडियो पूरी देखा करें और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें. और ये और वाला तो कुछ ज़्यादा ही और वाला निकल गया टच. सो बात ये है कि आई एम वेरी ईगर टू हिट 1000 सब्सक्राइबर्स. आप लोग भी करवा सकते हैं, शेयर इट एंड शो इट टू योर फ्रेंड्स, शो इट टू योर फैमिली सर्कल. मेरे एडवेंचर ब्लॉग्स आप शेयर करें, उसके बाद मेरे जो ट्रिप्स होते हैं छोटे मोटे या किसी भी तरह के दतिया गली आगे पीछे हर जगह के, तो आप लोग उसको शेयर करें. व्हेन आई स्टार्टेड दिस चैनल आई वाज एट 0 सब्सक्राइबर्स. आज अल्हम्दुलिल्लाह 760 हो गए हैं. और इंशाल्लाह करेगा कि 1000 भी हो जाएंगे और एक टाइम पे चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा. एक दो वीडियोस काफ़ी उस पर व्यूज़ कम है मेरे, मुझे ऐसे लगता है कि शायद लोग पता नहीं बिजी थे. लेकिन आप लोगों को व्लॉग्स देखें, जिन लोगों ने नहीं देखा जो ये व्लॉग देखे, जिन्होंने पिछला व्लॉग नहीं देखा जाकर मेरे व्लॉग्स देखें. और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. टिल देन सी यू एट अनदर डे इन अनदर टाइम. और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों के लिए जो सरप्राइज़ है वो भी रिवील करूँगा जल्द. सो आप मुझे थोड़ा सा बस टाइम दें. एंड इट्स अ ह्यूज सरप्राइज़ कंसिडरिंग कि मैं बाइक राइडर हूँ. और इट्स नॉट समथिंग, इट्स नॉट अ गिव अवे और एनीथिंग, बट मेरे लिए तो वो एक दोबारा एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी. और इंशाल्लाह आप लोग भी वो सीरीज़ इंजॉय करेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.